हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे और हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब का डे 67 है, तो काफ़ी दिन हो गया ना। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, है ना। और जिस किसी को रिविजन करना है तो वो भी देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियोज़ को अंत तक देखिए, छोटा वीडियो होता है उसको तो कम से कम देख लो, और नोट्स वगैरह बनाइए, उसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। तो चलिए फर्स्ट जो वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ इमैक्युलेट। इमैक्युलेट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, इमैक्युलेट। और ये आपके नॉट ओनली आपके सिनोनिम एंटोनिम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके डबल एम है। तो ध्यान रखिए ऐसे वर्ड्स का जो आपके स्पेलिंग एरर में भी आ सकते हैं, फाइन। तो इमैक्युलेट हमारा वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? जो परफेक्टली क्लीन होता है, परफेक्टली क्लीन, जिसमें कोई दाग वगैरह नहीं होता है, स्टेन नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इमैक्युलेट, परफेक्टली क्लीन और ठीक है टाइडी, या फिर फ्री फ्रॉम मॉरल ब्लेमिश, ठीक है, फ्री फ्रॉम मॉरल ब्लेमिश, ठीक है। मतलब क्या है, उसका मन काफ़ी साफ है ना, साफ है काफ़ी, और मतलब जो करप्ट नहीं होते उनको ही बोल सकते हम लोग, जो करप्ट नहीं होते उसको ही बोल सकते हम लोग इमैक्युलेट, फाइन। इमैक्युलेट परफेक्टली क्लीन, फाइन। नीट ऐसे बोल सकते हैं, नीट, ओके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इम्पेकेबल, इम्पेकेबल वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके OWS पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पेकेबल दैट मीन्स व्हाट? फ्लॉलेस, फ्लॉलेस को भी हम लोग इम्पेकेबल बोलते हैं। स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस वर्ड को, बहुत बार पूछा गया है। अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड, डिफाइल करना मतलब क्या होता है? इम्प्योर करना, ठीक है। डिफाइल करने का मतलब होता है आपका इम्प्योर करना, डिफाइल, ठीक है। डिफाइल करने का मतलब होता है इम्प्योर करना, ठीक है, दाग लगाना उसके ऊपर। अनडिफाइल्ड आपका क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा नेक्स्ट प्रिस्टीन। प्रिस्टीन पता है आपको, प्रिस्टीन ब्यूटी, एकदम फ्लॉलेस ब्यूटी, प्रिस्टीन ब्यूटी। या फिर एक और वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनसलिड, फाइन। अनसलिड, अनसलिड ये भी आपका अच्छा वर्ड है जो आपका सिनोनिम हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होगा? कंप्लीटली क्लीन, परफेक्टली क्लीन, फाइन। तो इम्पेकेबल, अनडिफाइल्ड, प्रिस्टीन, अनसलिड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? फिल्थी, ठीक है, पहला। अगर क्लीन है तो उसका उल्टा क्या होता है? डर्टी होता है। तो डर्टी का ही एक सिनोनिम है, क्या है आपका? फिल्थी, ठीक है, फिल्थी, फिल्थी, ओके। तो फिल्थी हो गया आपका। नेक्स्ट टेंटेड, जिसमें दाग लगा हुआ हो उसको बोलते हम लोग टेंटेड, फाइन, टेंटेड कैरेक्टर, फाइन, ऐसे। या फिर फ्लॉड, जिसमें आपके फ्लॉ हो, ठीक है, मिस्टेक्स हो इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉ, फ्लॉड, है ना। फ्लॉलेस आपका आपका इम्पेकेबल होता है, फ्लॉड आपका जिसमें फ्लॉ वगैरह होता है, ओके, फॉल्ट होता है जिसमें, या फिर फॉल्टी भी हो सकता है वैसे। तो अगर आप इमेज को देखेंगे, ओके, तो ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, सी वोर एन इमैकुलेट वाइट ड्रेस, ऐसा ड्रेस जिसमें कोई दाग वाग नहीं हो, ठीक है, काफ़ी नीट है, काफ़ी क्लीन है ना। तो उस केस में, ओके, सो सी वोर एन इमैकुलेट वाइट ड्रेस, ओके, सो दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो बहुत अच्छे से वर्ड को एक्सप्रेस करता है, फाइन। तो इमैकुलेट वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया परफेक्टली क्लीन, या फिर फ्री फ्रॉम मॉरल ब्लेमिश, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इम्पेकेबल, अनडिफाइल्ड, प्रिस्टीन, अनसलिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? डर्टी, फिल्थी, ओके, टेंटेड, या फिर फ्लॉड। एंड दिस इज द सेंटेंस, सी वोर एन इम्पेकेबल, या फिर इमैक्युलेट वाइट ड्रेस। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज हुडविंक। हुडविंक एक वर्ब होता है, हुडविंक, फाइन। हुडविंक एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है? टू डिसीव, ठीक है, डिसीव करना लोगों को, ठीक है, गुमराह करना, डिसीव करना, या फिर ट्रिक करना, ठीक है, ट्रिकरी यूज करके उनको, ठीक है, उनको मतलब चीट करना, ऐसे भी आप कह सकते हो, चीट करना, डिसीव करना, ट्रिक करना, या फिर चीट करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे इसके ना, टू डिसीव और ट्रिक। जैसे कि इस इमेज में ये जो पर्सन है, ये अभी क्या ले रहा है? कुछ ओथ वगैरह ले रहा होगा, ओथ, है ना, ओथ ले रहा है वो। क्या आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके अगर आप यहाँ पे देखोगे फिंगर में, फिंगर क्रॉस्ड है, मतलब जो भी बोल रहा है वो सच नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। अगर ओथ भी ले रहा है तो लोगों को क्या कर रहा है? डिसीव कर रहा है, ट्रिक कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इम्प्रोप्रिएट बिहेवियर है, और वो हुडविंग कर रहा है इस केस में, ओके। तो चलिए इसके सिनोनिम से उसको डिस्कस करते हैं। मिसलीड करना, फाइन, मिसलीड करना वो भी हो जाएगा एक तरह से, डिसीव करने को भी हम लोग मिसलीड करना कह सकते हैं ना। या फिर ड्यूप करना, ओके, ड्यूप, या फिर स्विंडल। स्विंडल में आप मतलब लोगों को ठगते हो, ऐसा है स्विंडल में, ओके, फाइन, स्विंडल लॉट्स ऑफ मनी, ओके, तो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं हम लोग। तो मिसलीड, ड्यूप, स्विंडल, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हुडविंग के। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर डिसीव कर रहा है, अगर आपको ट्रिक कर रहा है, तो आपको जो सलाह देता है, आपको सुझाव देता है, ठीक है, ठीक है, उसको एडवाइस करना, एडवाइस करना, या फिर सपोर्ट करना, या फिर प्रोटेक्ट करना, या फिर गार्ड करना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन, ओके, एडवाइस करना, ओके, सलाह देना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना,
तो दीज आर ऑल एंटोनिम्स ऑफ व्हाट, टू डिसीव, टू ट्रिक या फिर हुडविंग करने को। यूसेज क्या हो जाएंगे इसके, ही वॉज हुडिंग टू बिलीव दैट रेडफोर्ट कुड बी सोल्ड, है ना। ये आपने देखा होगा बंटी और बबली एक मूवी में जिसमें ताजमहल वगैरह बेचते हैं ना, तो वही केस है कि उसको वहां पे डिसीव किया गया है, उस फॉरेनर को, उसको चीट किया गया, उसको ट्रिक किया गया है। तो ही वॉज हुडविंग टू बिलीव दैट रेडफोर्ट कुड बी सोल्ड। ओके, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते। हुडविंग वर्ड है टू डिसीव और ट्रिक, सिनोनिम्स ये सब हो गए, मिसलीड, ड्यूप, स्विंडल, चीट करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडवाइस, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, गार्ड, एंड दिस इज द सेंटेंस। ओके, चलिए जो नेक्स्ट है वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है गायरेट, फाइन, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका गायरेट। ये अगर आपके कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसको पता होगा गायरेशन, ठीक है, फाइन। तो गायरेट इज अ वर्ब, गायरेट का मीनिंग क्या होता है आपका, टू मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स पॉइंट। अगर ये अगर सर्कल, अगर ये फिक्स पॉइंट है, उसके अगर चारों ओर आप ऐसे अगर मूव करते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गायरेट करना, ठीक है, गायरेट करना, ओके, रिवॉल्व करना, ऐसे यू कैन से दैट, फाइन। गायरेट, टू मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स पॉइंट, टू मूव इन अ सर्कल, फाइन, यू हैव टू मूव इन अ सर्कल, या फिर आपको स्पिन करना पड़ेगा आपको, ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग गायरेट करना, वर्ब है ये, ओके, दिस इज अ वर्ब, ओके, वर्ब है। तो चलिए जान लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। एक तो हो गया आपका व्हील्ड करना, ओके, टू व्हील्ड, फाइन, या फिर टू रोटेट, रिवॉल्व, स्पिन, टर्न, ओके, टर्न करना, या फिर ट्विस्ट, तो ये सारे मतलब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके, व्हील, रोटेट, स्पिन, टर्न, ट्विस्ट, सो ऑल दीज आर वर्ड सिनोनिम्स ऑफ गायरेट, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर सर्कुलर मूवमेंट हो गया, सर्कुलर का मूवमेंट होगा एक्चुअली इसमें, ओके, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसमें, अगर आप मूव कर रहे हो ऐसे सर्कुलर, ऐसे मूव कर रहे हो, ओके, आप अगर इसको अगर स्ट्रेट कर देते हो, स्ट्रेटन, तो ये उसका एंटोनिम हो जाएगा इसका, फाइन, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेटन करना उसको, ओके, या फिर अनट्विस्ट, ट्विस्ट करना सिनोनिम है इसका, अनट्विस्ट करना क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मैंने ऐसे लिख दिया मूव लीनियरली, ओके, टू मूव इन अ लीनियर फैशन, फाइन, लीनियर, एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एंटोनिम, टू मूव लीनियरली, ये आपके गायरेट करने का उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, फाइन। जैसे कि अगर आप देखोगे इमेज में, फाइन, यहाँ पे, तो ये जो है दिस इज, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है, ओके, गायरेट कर रहा है। तो यूसेज क्या हो जाएगा, द व्हील गायरेटेड अराउंड द फिक्स पॉइंट, द व्हील गायरेटेड फिक्स पॉइंट है, उसके अराउंड गायरेशन हो रहा है, ठीक है, गायरेट कर रहा है। तो गायरेट, टू मूव इन सर्कल अराउंड ए फिक्स पॉइंट, व्हील करना, रोटेट, स्पिन, टर्न, ट्विस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटन करना, अनट्विस्ट करना, या फिर टू मूव लीनियरली, और ये इसका सेंटेंस है, फाइन। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट, एग्जिग्युअस इज द नेक्स्ट वर्ड, एग्जिग्युअस बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, फाइन, एग्जिग्युअस, जिसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल इन साइज, ओके, साइज कैसा है, बहुत ही छोटा, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जिग्युअस। देखिए आप ई से ना बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग, एग्जिग्युअस वर्ड, वेरी गुड वर्ड, और कभी कभार हम लोग गलत कर देते हैं ये सब वर्ड में भी, ठीक है, एग्जुबरेंस हो गया, एग्जसर्बेट, तो ऑल दीज आर बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड, एग्जुबरेंट, है ना, एग्जुबरेंट, फाइन, आपका एक बार मैंने बोला था एग्रीजियस, फाइन, एग्रीजियस, तो ये सब जो इसके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्रीजियस, या फिर एग्जुबरेंट, एग्जसर्बेट, ठीक है, एग्जसर्बेट करना, ओके, दीज आर वेरी गुड वर्ड्स, तो ये सब काफी बार आते रहता है। तो एग्जिग्युअस का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, ओके, टाइनी, या फिर टाइनी, वेरी स्मॉल इन साइज, टाइनी, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। चलिए सिनोनिम्स के ऊपर डिस्कस कर दे, स्कैंटी, स्कैंटी, ओके, स्कैंटी, मियगर, डिमिनिटिव, स्मॉल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्कैंटी, मियगर, डिमिनिटिव, टाइनी, स्मॉल, ठीक है, शॉर्ट, ऐसे कह सकते हो आप, जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्जिग्युअस के, फाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल इन साइज है, अगर क्वांटिटी कम है, तो इसका क्या एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटी, प्लेंटी मतलब क्या होता है, एबंडेंट, फाइन, एबंडेंट होता है प्लेंटी, बहुत सारा, प्लेथोरा हो गया, प्लेथोरा भी हो सकता है एक तरह से, है ना। तो नेक्स्ट और क्या एंटोनिम्स और क्या हो जाएंगे, सब्सटैंशियल, स्मॉल इन साइज, सब्सटैंशियल मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट का होता है, उसको बोलते हम लोग सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एडिक्वेट, सफिशियंट, ओके, उसको भी हम लोग कह सकते हैं इसका एंटोनिम, एडिक्वेट, सब्सटैंशियल, प्लेंटी, सो दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड एग्जिग्युअस, फाइन। और ये अगर आप देखोगे, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, तो आप देखोगे दीज आर द हैंड्स ऑफ हर पेरेंट, ओके, ही इज हर पेरेंट, और जो उनके जो, ठीक है, पैर वगैरह देखे कितने छोटे छोटे हैं, तो ये दीज आर वर्ड एग्जिग्युअस साइज है इसका, फाइन, एग्जिग्युअस साइज। तो यूसेज क्या हो जाएगा, माय फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एग्जिग्युअस, मतलब माय फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर वर्ड बहुत ही कम है, स्कैंटी, बहुत ही कम है।
ओके तो एग्जिगुअस वर्ड हो गया, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल इन साइज, कैंटी, मेगर, डिमिनिटिव, टाइनी, शॉर्ट, स्मॉल, ये सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएंगे. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लेंटी, सब्सटैंशियल, एडिक्वेट, अबंडेंट, ओके, सफिशियंट, ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स. चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है, उसको डिस्कस करते हैं. फाइन, नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड फ्रॉलिक्सम. फ्रॉलिक्सम इज द नेक्स्ट वर्ड फॉर फ्रॉलिक्सम. ठीक है, ये आपका जो वर्ड है ये फन एंड फ्रॉलिक, आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का ही एडजेक्टिव फॉर्म है ये फ्रॉलिक्सम. ठीक है, फ्रॉलिक्सम का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी का भरा हुआ है, एंथुसियास्टिक, लाइवली. ठीक है, वो मीनिंग करता है फ्रॉलिक्सम. ठीक है, फन एंड फ्रॉलिक, तो फ्रॉलिक्सम एक वर्ड है जो एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली या फिर प्लेफुल. जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, वो फ्रॉलिक्सम होते हैं. फ्रॉलिक्सम जैसे आप देखोगे इमेज में, ठीक है, बच्चे देर फुल ऑफ एनर्जी, देर एंथुसियास्टिक, देर लाइवली, देर एनिमेटेड. ओके, सो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, एक्जुबेरेंट. एक्जुबेरेंट, एक्जुबेरेंट का आपका नाउन फॉर्म क्या होता है, एक्जुबेरेंस. फाइन, एक्जुबेरेंट इज द वर्ड. फ्रिस्की, फ्रिस्की या फिर स्पिरिटेड या फिर एनिमेटेड, है ना, एनिमेटेड या फिर एंथुसियास्टिक. ठीक है, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक, एनिमेटेड, एंथुसियास्टिक, स्पिरिटेड, फ्रिस्की, एक्जुबेरेंट. सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ फ्रॉलिक्सम. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका उल्टा, इनएक्टिव. ओके, फ्रॉलिक्सम मतलब क्या, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है लोग, तो इनएक्टिव इसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज वॉज स्लॉथफुल. स्लॉथ एक एनिमल होता है, मैंने डिस्कस भी किया था. स्लॉथफुल मतलब बहुत ही लेजी, है ना. इनडोलेंट, इनडोलेंट इज अ वेरी गुड वर्ड. इनडोलेंट, स्लॉथफुल, इनएक्टिव. ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे. फाइन, सेंटेंस क्या है हमारे पास, कि ही वॉज फ्रॉलिक्सम वेन ही वॉन द गोल्ड मेडल. अगर आपको कहीं भी अगर आप फर्स्ट पोजिशन लेके आते हो तो ऑब्वियसली यूल बी फुल ऑफ एनर्जी, यूल बी लाइवली, यूल बी एंथुसियास्टिक. ठीक है, तो यू विल बी प्लेफुल, है ना, आपको बहुत खुशी होगी आप, है ना. तो सो दिस इज द वर्ड. फाइन, तो फ्रॉलिक्सम फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड प्लेफुल. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्जुबेरेंट, फ्रिस्की, हाई स्पिरिटेड, स्पिरिटेड या फिर एनिमेटेड, एंथुसियास्टिक. ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, स्लॉटफुल, ओके, इनडोलेंट. एंड दिस इज द सेंटेंस. तो गाइज, आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय.